बकरे नवाशिप हो गए हो गए, जिधर बंदा जावे चोर 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 कही जा रहा है, बंदा ऊपर चेक नहीं सकते। जब इमरान खान हो ना तो आके ऊपर करके बंदा चल सकता है। पेट्रोल महंगा हुआ था, सारे कटे हुए थे, इनके दौर में डॉलर 275 300 तक पहुंच गए, कोई भी नहीं बोल रहा। अगर कोई निकल जाए तो उनको पकड़ रहे हैं। नवाशिप कहता था जी ये ओपन ही ना करें, जैसे वॉल्यूम 10 था वो कहते हैं इसको बिल्कुल ओपन ना करें, क्योंकि उसमें उसकी चीजें थी, उसके सारे चीजें प्रूफ जो इनवॉल्व हो जाते थे। आप खर्चे फिर कैसे पूरा करें? अल्लाह पूरा करेगा, पूरा करेगा। छोटा बच्चा 11 साल का बच्चा हुआ, हमारा काम कर रहा है 11 साल। तो आप उसको पढ़ाए ना, उसको अपने काम पे क्यों लगाया? कैसे पढ़ा? इंशाल्लाह था, जब तक खान जिंदा है तो कोई टेंशन नहीं। कैसे आएगी हुकूमत? वो तो जेल में है। बस एक कल फैसला है, इंशाल्लाह आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि इमरान खान अगर हुकूमत में आता तो क्या कहेंगे? चेंजिंग हो या ना हो, बंदा शेर है, शेर दिल खुश करते हैं। जिधर भी जाते हैं लोग खान खान खान, दिल भरा, जिधर भी बंदा जावे दिल उसका खुश हो जाता है। बगैर नवाशिप हो गए ये हो गए, जिधर बंदा जावे चोर 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 कही जा रहा है, बंदा ऊपर चेक नहीं सकते। जब इमरान खान हो ना तो आके ऊपर करके बंदा चल सकता है। चोर तो उन्होंने इमरान खान को भी किया है कि वो भी चोर है, उसने भी बस इतने में एक बात बताएगा भाजी को, इतने ज्यादा नहीं है। इमरान खान को सपोर्ट करना हमारा एक नशा है, तो ये नशा हम सरेआम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लगता है खान साहब की हुकूमत आएगी वापस? इंशाल्लाह दोबारा आएगी। वो तो जेल में, तो कैसे आएंगी? बस आएंगे, आवाम उनके साथ हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जितने हुक्मरान इकट्ठे हुए हैं ये सारे चोर रह गए। अब देखो इन्होंने अपने कैसे ख़त्म किया। तो इन्होंने इमरान खान को भी बोला कि वो भी चोर है। वो इमरान खान भी किधर चोर है, हुकूमत इमरान खान आवाम के साथ है, उनकी क्या चोर है? उनकी बैठ ना जायदाद है ना कुछ भी है। उसने तो ये पहले बोला हुआ मेरे बैठ ना डॉलर पड़े हुए हैं, इन्होंने तो डॉलर के पीछे भाग रहे हैं। बाहर के मुँह के जो बातें सुनते हैं वो कहते हैं हमारे डॉलर गैप ना करें। तो अगर इमरान खान की दोबारा हुकूमत आती है तो आप क्या कहेंगे कि क्या चेंजिंग होनी? इंशाल्लाह बहुत चेंजिंग होगा। अभी तो इतने 3.5 साल में बहुत चेंजिंग लाया हुआ है, अगर इसको ज्यादा छोड़ा 5 साल ना तो और चेंजिंग में आ रहा था इस पे पाकिस्तान में। इमरान खान के दौर में 20 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ था, सारे कटे हुए थे, इनके दौर में डॉलर 275-300 तक पहुँच गए, कोई भी नहीं बोल रहा। अगर कोई निकल जाए तो उनको पकड़ रहे हैं। ये तो जंगली हुकूमत आ गए ना। तो आपको लगता है खान साहब रिहा हो जाएंगे जल्दी? इंशाल्लाह जल्दी रिहा हो जाएंगे। अब जिस जज ने फैसला किया हुआ है वो जज तो भाग गया बाहर, वो काम पे हैं। आप चाहते हैं इमरान खान आए दोबारा? जी हम चाहते हैं, हम तो कह रहे हैं इमरान खान आ जाए। इमरान खान के बगैर यहाँ पे पठान, खास तौर के पठानों का जीना ही हराम हुआ है यहाँ पे। आप ये देख लो कि इस वक्त इमरान खान सिर्फ गिरफ्तार हुआ है, लेकिन वो के पहले पेशावर था, लेकिन आप पेशावर नहीं है। अब वो पेशावर भी कह रहे हैं कि हमें भी अलग एक सूबा दे दो, वो भी एक अलग सूबा मांगता है। कोई भी पठान यहाँ पे अगर अपनी आज़ादी का आवाज़ उठाते हैं ना, उसको कोई भी पठान हो उसको या हफ्ते बाद या 10 दिन बाद वो गायब हो जाते हैं। क्यों गायब क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे पठान अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हक में पंजाब में यहाँ पे मेरे अभी भी 5-7 दोस्त ऐसे हैं कि वो जेलों में पड़े हुए। क्यों, किस वजह से? क्योंकि हम यहाँ पे जब इमरान खान का जो पहले गिरफ्तार किया था उस वक्त का ये मामला है, तो उनको घरों से उठाया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो उनको किस बेस पे वो लेके गए थे? वो इसी बेस पे लेके गए थे कि आप लोग क्यों उसमें अंदर गए, इमरान खान को सपोर्ट क्यों करते, क्यों सपोर्ट करते हो? हमारे घर के ऊपर भी जो छापा पड़े, काफी हमारे घर वालों को फैमिली को भी ना तकलीफ होती है। तो आपको आज़ादी किससे चाहिए? आप आज़ाद तो हैं। हाँ, ये कौन सी हम आज़ाद है? ये हम आज़ाद हैं, हम अपने हक के लिए हम नारा उठाते हैं तो वो फौरन गिरफ्तार कर लेते हैं। कहाँ पे आज़ादी है? आप चाहते हैं इमरान खान जल्दी रिहा हो जाए, वो वापस आए हुकूमत? हम तो कह रहे हैं अल्लाह करे वो आ जाए। हम तो कह रहे हैं इमरान खान के लिए हम जान भी देने के लिए हाजिर है। अगर इमरान खान आता है दोबारा हुकूमत में तो आपको लगता है चीज़ें दोबारा होंगी सस्ती? इंशाल्लाह से पूरी उम्मीद है हमारी, वो सस्ती कर देगा ये चीज़ें। अब ये जो निगरान हुकूमत बैठने वाला है ये आपको ऐसे रगड़ा लगा देगा कि आप जिंदगी भर ये याद रखोगे कि वाकई एक निगरान हुकूमत इन्होंने तो कर दिया, नून लीग ने, ये पीटीएम ने कर दिया, लेकिन आप जो निगरान हुकूमत करेगा वो सब पाकिस्तानियों को पता चलेगा। आपको लगता है इमरान खान आएंगे दोबारा हुकूमत में? लगता तो बिल्कुल यकीन सबका है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उनका बिलीव है कि आना चाहिए, लेकिन जो इस वक्त सेटअप चल रहा है मेरा नहीं ख्याल कि जल्दी आने देंगे।
क्यों, नहीं लग आपको क्यों लगता है कैसा उनको जल्दी नहीं आने देंगे? पावर किसके पास है? चले अगर वो मतलब अगर अपने हक में वो ठीक है फिर तो वो आना चाहिए ना। नहीं बात यहाँ पर हक की नहीं है ना, पाकिस्तान में हक की बात पे नहीं यहाँ पर रिलाई कर सकते। जिसके पास पावर है वो ही अंगेस्ट है इस वक्त इमरान खान के, वरना मेका में 80-90% जो लोग हैं वो समझते हैं कि इमरान खान ठीक है और हक पर है, लेकिन उसको दूध खिला जा रहा है। आप देखते हैं अगर नवाज शरीफ की बात करते जाएँ तो उसमें भी आपकी स्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी, ठीक है, और उसमें कुछ ना कुछ नवाज शरीफ की चीज़ें थी एडअप, यानी कि वो था इस तरह का करप्ट बंदा, क्योंकि विदाउट एविडेंस तो नहीं था उसको इतनी सज़ा मिलनी। लेकिन इमरान खान के बारे में ये कहना कि जो बिल्कुल इमरान खान ही करप्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था तब से ये चीज़ें जो है ना हरी अब स्टार्ट होना शुरू हो गई थी, उससे पहले थी लेकिन उनको ये आइडिया नहीं था कि ये इमरान खान इस हद तक जो है ना पहुँच जाएगा कि अवाम की ताकत जो होती है वो इस तरह के फैसले करेगा। 75 साल की हिस्ट्री में इस तरह कभी भी नहीं हुआ मेरे ख्याल में। वो ड्यू प्रोसेस जो है वो इसीलिए, अब आज की अगर हियरिंग देख लें ख्वाजा हारिस के दलाइल हैं उसमें जो भी है बेस्ट गोहर है, उन सब ने यही बात कही है कि उनको ना तो गवाह पेश करने के लिए कहा गया और ना उनको कोई मौका दिया गया। और नवाज शरीफ कहता था जी ये ओपन ही ना करें, जैसे Volume 10 था वो कहते हैं इसको बिल्कुल ओपन ना करें क्योंकि उसमें उसकी चीज़ें थी, उसके सारे चीज़ें प्रूफ जो है इन्वॉल्व हो जाते थे उसमें। क्या आपको लगता है इमरान खान बाहर आएंगे? कोई भी हमारा गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं देता है, क्या देता है? इमरान खान ने क्या दिए और मतलब शहबाज शरीफ ने क्या दिए? कोई भी कुछ नहीं देता किसी को। गरीब आदमी का माँ मरा हुआ वो चले गए बीच में, न इमरान खान कुछ देता है न शहबाज शरीफ कुछ देता है। तो आपको लगता है इमरान खान को बाहर आना चाहिए या नहीं? बस अगर आ गया तो ठीक है, अगर ना आया तो पड़ा रहेगा, क्या करें। आपको कौन पसंद है, आप किसे चाहते हैं? इमरान खान या नवाज़ शरीफ? हमारे कोई भी पसंद नहीं है। क्यों? बस तो आप वोट किसको देना पसंद करेंगे? देख लो हम अभी कहवा बेचते हैं, ठीक है, हमारे को क्या दिए? कुछ नहीं दिए। हम कहवा बेच रहे हैं, छोटा बच्चा इतना हमारा 11 साल का बच्चा है वो कहवा बेच रहे हैं, हमारे को क्या दिए? कुछ भी नहीं दिए। तो आप खर्चा फिर कैसे पूरा करते हैं? अल्लाह पूरा करेगा। अभी तक 8-10 लाख का अभी हमारे ऊपर उधार पड़ गया, कौन काम से पूरा करेगा? छोटा बच्चा 11 साल का बच्चा है वो हमारा काम कर रहा है 11 साल। तो आप उसको पढ़ाए ना, उसको आपने काम पे क्यों लगाया होगा? तो क्या से पढ़ा दूँ? तो महंगाई पहले ज़्यादा थी या इमरान खान के दौर में ज़्यादा हुई? इमरान खान के दौर में हुई है, अब उससे भी ज़्यादा हुई, अब ज़्यादा होगी। तो अब आप वोट किसको देंगे, इमरान खान को या फिर किसी और, किस पार्टी को देंगे? अभी तो वक्त देखे, अभी तो कोई माइंड नहीं है। माइंड होता है ना इंसान का कि हम इसको देंगे वोट, ये ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो इनको देंगे, तो अगर दिया तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि कैसा अच्छा रिस्पॉन्स दें? देखिए अभी तो समय कुछ नहीं आ रहा है, मतलब आप जो चाहें कि अगर ये आएंगे हुकूमत में तो ये चीज़ की महंगाई कम होनी चाहिए या इसका कुछ प्राइसेस वगैरह का या वैसे किस चीज़ में अच्छी होनी चाहिए, क्या आपके अगली गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करते हैं? कह रहे हैं इन्होंने पहले दौर में तो काफ़ी अच्छे काम किए, उम्मीद है इनके आएगी तो डेवलप करेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान।